साल 1973 बीत गया था। देश में इमरजेंसी के ढांचे की ईंट पत्थर और सीमेंट साल 1974 की पीठ पर लाद कर साल 1975 की तरफ ले जाई जा रही थी। ये ही असल वो साल था जब राजेश खन्ना का स्टारडम पर्वत की ऊंचाइयों से गिरकर पाताल के सफर पर निकल गया था। दुबला पतला लंबा और एक रुआबदार आवाज़ वाला लड़का भारत के लोगों के फिल्म देखने का अंदाज बदलने वाला था। वो आम आदमी के आक्रोश को व्यक्त होने का सिनेमाई मौका दे रहा था। अब लगभग असफल रहे इस लड़के की एक फिल्म आई थी 1973 में, नाम था जंजीर, और गलबहियों के साथ पेड़ों के आसपास सुखद अंत वाली, हमेशा खत्म होने पर प्यार की जीत वाली फिल्मों का दौर खत्म होने में उनका योगदान बहुत बड़ा था। हालांकि ये पूरी तरह नहीं हो पाया था, पर फिल्में अब कुछ रियल होने की तरफ निकल गई थी। लड़के का नाम था अमिताभ बच्चन। अमिताभ की फिल्म जंजीर ने उन्हें व्यस्त और सुपरस्टार दोनों बना दिया था। कितना बड़ा स्टार, इसी पर हमारा आज का ये किस्सा है। अमिताभ अपनी अगली फिल्म की शूटिंग उस वक्त मद्रास में कर रहे थे। हर कोई उनसे मिलना चाहता था, लेकिन अब उनसे मिलना इतना आसान नहीं रह गया था। एक आदमी जिसे उनका ऑटोग्राफ नहीं चाहिए था, वो घंटों चलने वाली अमिताभ की शूटिंग का ख़त्म होने का इंतज़ार करता था और उसे किसी भी हालत में अमिताभ से मिलना था, पर वह हमेशा रोक दिया जाता। एक दिन उसने खुद को रोकने वाले सिक्योरिटी को चकमा दे दिया। अमिताभ होटल के कमरे में आराम कर रहे थे और अचानक उनका दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खटखटाया जाने लगा। अमिताभ बाहर निकले और उस आदमी ने अमिताभ के कुछ कहने से पहले ही अमिताभ से कहा, मेरी बच्ची बेहद बीमार है, वो इस वक्त अस्पताल में है, वो आपसे मिलना चाहती है, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। अमिताभ ने उसे आश्वासन देकर इस उम्मीद के साथ लौटा दिया कि वो शायद वापस नहीं आएगा। अमिताभ उसके साथ नहीं गए, लेकिन वो आदमी रोज़ आता रहा, शूटिंग खत्म होने का इंतज़ार करता और फिर अमिताभ से मिलने की उम्मीद में बैठा रहता। अमिताभ भी उसे देख रहे थे और अमिताभ समझ गए कि वो सच में किसी बड़ी मुश्किल में है। अमिताभ उसके साथ आखिर में अस्पताल पहुंचे और वहां उन्हें डॉक्टर से पता चला कि उस बच्ची की रीढ़ की हड्डी में बड़ी दिक्कत है, वो गंभीर हालत में है। उसका ऑपरेशन हुआ था और वो एक महीने से बिस्तर पर थी। अमिताभ उससे मिले और हैरान करने वाली एक घटना घटी, वो बच्ची उसी वक्त तेजी से रिकवर हुई। डॉक्टर्स भी हैरान थे। डॉक्टर्स ने अमिताभ को बताया कि पिछले एक महीने से हम तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आपके आने से बच्ची में जो सुधार आया है वो हैरत अंगेज़ है। अमिताभ से मिलने के बाद वो बच्ची ठीक हुई, जिसकी संभावना बहुत कम थी। अमिताभ खुश थे, लेकिन थोड़े परेशान भी। वो परेशान इसलिए थे क्योंकि अगर वो पहले आ जाते तो उस बच्ची को जो तकलीफ हुई है वो कम हो जाती थोड़ी। आम आदमी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला हर व्यक्ति हीरो होता है। हमेशा हीरो बनने की कोशिश करते रहिए, लेकिन असल ज़िंदगी में हीरो के ही तो मायने हैं। ये कहानी बदलाव की कहानी है और हम ये हमेशा सकारात्मक ढंग से कर सकते हैं। कमेंट करिएगा और बताइएगा आपकी पसंद की कहानियाँ और व्यक्तित्वों के बारे में। हम उन कहानियों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। कहानी अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक नहीं रखें, अपनों तक पहुँचाएँ। शेयर करिएगा। शुक्रिया।